हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेब्स किचन। आज हम सूजी और आलू के स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, वो भी एक अलग तरीके से। हमारे ये सूजी और आलू के स्नैक्स अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से उतने ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कप पानी के डालेंगे कढ़ाई में, पानी को गर्म होने देते हैं। मैंने यहाँ पे ये 3 कप पानी के लिए है और ये 2 कप सूजी है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अंदर डालेंगे और साथ साथ में हिलाते जाएंगे। इसको साथ साथ में हिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। अब इसको हिलाते रहना है। ये सूजी का बैटर बनाएंगे हम। ये गैस मैंने यहाँ पे मीडियम करी हुई है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ये 3-4 प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। ये 3-4 मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने मैश कर लिया है, इनको डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच नमक का डालेंगे इसके अंदर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर 4 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे। आप इसकी जगह बेसन या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ बारीक। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे पाव भाजी मसाला, इसका तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम सारे मसालों को। के अंदर 2 बूंद तेल के डालेंगे। अब इस तेल को अच्छे से फैला लेते हैं। बैटर को इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हमने अपने बैटर को स्प्रेड कर लिया है। आप इसे अपने हिसाब से पतला या मोटा कर सकते हैं। आप इसे फ्रीजर में 2 घंटे के लिए सेट होने दें। मैं यहाँ पर इसे सैलो फ्राई करूँगी, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके पीसेस करते हैं छोटे छोटे। मैं इनको स्क्वायर पीसेस में काट रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो इनको। एक पीस हम निकालते हैं इसके अंदर। देखिए देखिए हमारे कितने अच्छे स्नैक्स बने हैं। अब इनको हम सेलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर लो आप। अब इसको यहाँ से भी पीसेस कर लेते हैं हम। इसके ऊपर को सारा आ गया है, अब इसे हम पीसेस निकाल लेंगे एक एक करके सारे। देखिए हमने ये पीसेस निकाल लिए हैं सारे, इस सारे निकाल लेने हैं। मैं इनको यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला हुआ है। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक पीसेस करके डालते हैं इसके अंदर।
इसको मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब इनको हम पलटते हैं। देखिए हमारे स्नैक्स का कितना अच्छा कलर आया है। जब तक गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए तब तक इन्हें ना पलटे। अरे ये बन गए हैं, अब इनको प्लेट में सर्व करते हैं। इस तरह से हमने सारे स्नैक्स सेलो फ्राई कर लेने हैं। इन स्नैक्स को आप कभी भी झटपट ट्राई करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।